नमस्कार दोस्तों, भमतो एजुकेशन के इस चैरिटेबल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नया यूनिट अर्थात मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भारत को आधुनिक भारत कहते क्यों हैं, अर्थात किस रूप में ये आधुनिकता का परिचायक है। देखिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य की समाप्ति एवं अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन स्थापना के फलस्वरूप जिस प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक स्तर पर और व्यापार के स्तर पर अर्थात उद्योग धंधा के स्तर पर जो परिवर्तन आता है, इतिहासकारों ने इसको एक डिमार्केशन लाइन के रूप में आधुनिक भारत का नाम दे दिया है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि मुगल शासन के समय में जिस रूढ़िवादी परंपरा को अपनाया गया था, उसके स्थान पर तर्कसंगत एवं विज्ञानवाद जैसी संकल्पनाओं को अंग्रेजों के शासनकाल में अपनाया जाना एवं सांस्कृतिक और औद्योगिक रूप से उन्नत तकनीक के माध्यम से लोगों के सुख सुविधा में वृद्धि की संकल्पना को मजबूती से रखने की प्रयास करना ही आधुनिक भारत कहलाता है। देखिए दोस्तों, आज के इतिहास में हम 1707 से लेकर के 1857 तक का केवल और केवल राजनीतिक पक्ष पढ़ने वाले हैं। आई रिपीट अगेन, केवल हम पॉलिटिकल पक्ष को ही पढ़ने वाले हैं, बाकी जो और पक्ष होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है। औरंगजेब की जब मृत्यु होता है तो उस समय में साम्राज्य में सत्ता को लेकर के लड़ाई शुरू हो जाती है। औरंगजेब को 3 बेटा था। पहला बेटा का नाम था मुअज्जम, दूसरे का नाम था आजम और तीसरे का नाम था कामबख्श। इस लड़ाई में फाइनली रूप से मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, विजय होता है और 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक वो दिल्ली के गद्दी पे बैठता है। वो 65 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठता है, उसमें समझदारी तो थी ही, साथ ही साथ दरबारियों जो था, जैसे वहाँ पे कई गुट बन गए थे, तुरानी गुट, ईरानी गुट, हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक अलग गुट था, अफगान का गुट था, तो वहाँ पे वो जो है सबको मिलाने में वो कामयाब होता है। बहादुर शाह के समय में और भी भारत में कई प्रकार की चुनौतियाँ थी जिसको वो अपने विद्वता के बल पे जो है वो सिद्ध कर बैठता है। जैसे कि उन्होंने जो है जाटों के विरुद्ध किस प्रकार की नीति अपनाया, मराठों के विरुद्ध किस प्रकार की नीति अपनाया, सिखों के विरुद्ध किस प्रकार की नीति अपनाता है, सभी के प्रति मेल मिलाप की नीति अपनाता है, शांति समझौता का नीति अपनाता है और इस प्रकार वो सफलतापूर्वक जो है वो 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक वो शासन करता है। एक घटना उसके काल में महत्वपूर्ण ये होता है कि गुरु जो है गोविंद सिंह के बाद जो 10वें गुरु थे सिखों के, बंदा बहादुर जो है वहाँ पे जो है अपने सिख कम्युनिटी को एकत्रित कर लेता है और मुगलों के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर देता है। इसी विद्रोह को शांत करने के क्रम में अर्थात दबाने के क्रम में जो है बहादुर शाह प्रथम का मृत्यु हो जाता है 1712 ईस्वी में। उसके बाद शासक आता है जहांदर शाह, जो कि मात्र 1 साल के लिए शासन में आता है, जो ईरानी दल का नेता एक था जुल्फिकार खां, उसके सहयोग से ये 1712 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है और 1 वर्ष में ही वो जो है उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। इसने एक अच्छा काम ये किया
कि मराठों के संबंध में जो है वो चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मराठों को दे देता है, और जहाँ क्या कहते हैं जजिया जो कर होता है उस पर ये रोक लगा देता है। इन्होंने भी मेल मिलाप की नीति अपनाई, जाटों के विरुद्ध मेल मिलाप की नीति अपनाई, मराठों के विरुद्ध देखे ही चौथ और सरदेशमुखी, साथ ही साथ जो है जजिया कर जो है वो बंद कर दिया लेने से। सिखों के विरुद्ध भी कोई कुछ नहीं किया, मेल मिलाप की नीति ही अपनाई। उसके बाद जो है फर्रुखसियर सत्ता पे आता है, जिसका शासनकाल है 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी। मुख्य रूप से सैयद बंथी अर्थात अब्दुल्ला खान जो कि उस समय वजीर रहता है, एवं हुसैन अली जो कि उस समय मीर बख्शी रहता है। ठीक ना, वजीर का मतलब होता है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो कार्यकलाप को देखता है, और मीर बख्शी का मतलब ये होता है जो सैन्य विभाग से संबंधित कार्यालय को देखता है। इसी के सहयोग से फर्रुखसियर 1713 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठता है और 1713 से 1719 ईस्वी तक ये शासन करता है। देखिए फर्रुखसियर ने करता क्या है, 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेज को व्यापारिक छूट प्रदान करता है, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर के कार्यकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो ये जो अंग्रेजी कंपनी थी इसका हम बाद में चर्चा करेंगे, फर्रुखसियर ने इसको जो है व्यापारिक अधिकार प्रदान कर देता है। सैयद बंथियों के बढ़ते हस्तक्षेप से फर्रुखसियर भयभीत हो जाता है और उसके खिलाफ ये षड्यंत्र रचने लगता है। लेकिन जैसे ही इसकी पता सैयद बंधुओं को चलता है, उन्होंने सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के सहयोग से 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को गद्दी से अपदस्त कर देता है और उसको हत्या कर देता है। फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधु लगातार 3 शासक को गड्डी पर बैठाता है, जिसमें रफी उद दरजात, उसके बाद रफी उद दौला एवं फाइनली मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाता है। मोहम्मद शाह का शासनकाल काफ़ी लंबा होता है, 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक, अर्थात 20 वर्ष का करीब करीब इसका 30 वर्ष का इसका करीब करीब शासन रहता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन सर्वाधिक तेजी से हो जाता है। उसके शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, जिसमें कि मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल का, सआदत खां के नेतृत्व में अवध का, निज़ाम उल मुल्क या चिनक्लिच खां के नेतृत्व में हैदराबाद का, चूरामन व बदन सिंह के नेतृत्व में भरतपुर का जो है नींव पड़ता है स्वतंत्रता के रूप में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का भी आक्रमण होता है और नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली भी विशाल सेना के साथ पंजाब पर आक्रमण करता है, और इस प्रकार से भारत में जो उत्तर पश्चिम का सीमा क्षेत्र जो है वो शक, यूनान, कुषाण जो है, और फाइनली रूप से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इन सबों के लिए वो खुला द्वार का जो है वो रूप में आता है भारत में, और यहाँ पे लूटपाट मचाता है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत भी इसी रास्ता से आया था, जितना भी विदेशी आक्रमण हुआ सब उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र से हुआ, जिसमें कि खैबर दर्रा, बुलंद दर्रा वाला जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान का पेशावर वाला इलाका और राजस्थान का इलाका, उसी क्षेत्र से हुआ भारत में आक्रमण होते आ रहा है। उसके बाद शासनकाल आता है अहमद शाह बहादुर का, अर्थात 1748 से 1754 ईस्वी तक। अहमद शाह का शासनकाल अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के लिए जाना जाता है। आपको पता है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में भी इसका आक्रमण होता है, लेकिन इसके समय में कुछ ज़्यादा होता है। अहमद शाह के समय जो है उद्दम बाई जो कि वहाँ की राजमाता थी के नाम से
महिला राजमाता के नाम से महिला प्रशासनिक कार्य में अधिक हस्तक्षेप करती थी और जो है उसे किबला ए आलम की उपाधि प्रदान किया गया था। अहमद शाह ने हिजरों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी थी। मराठा सरदार मरहाल लॉ के सहयोग से इमाद उल मुल्क सफदरगंज को अबदस्त कर मुगल साम्राज्य का वजीर बना देता है। 1754 ईस्वी में इमाद उल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अबदस्त कर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाता है। अब हम पढ़ते हैं आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 ईस्वी के काल में। आलमगीर द्वितीय अपने छोटे से कार्यकाल में अपने वजीर इमाद उल मुल्क की कठपुतली बन के रहता है तथा प्लासी के युद्ध में जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था यही दिल्ली का शासक था। आलमगीर द्वितीय नोट डाउन कीजिएगा, प्लासी के युद्ध में आलमगीर द्वितीय ही दिल्ली का शासक था। इसके बाद एक शासक आता है शाह आलम द्वितीय जिसका शासनकाल रहता है 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक। आलमगीर के पुत्र अली गौहर ने बिहार में शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया और यह दिल्ली नहीं आ सका। मतलब कहने का मतलब यह है कि वह वहीं पे शासन किया और बरसों तक दिल्ली नहीं आया। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना यह होता है कि शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम तथा अवध के नवाब शाह शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और इसके बाद पराजित होने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि पे हस्ताक्षर जो है हुआ था और अंग्रेज का ये पेंशनर बन के वो वहाँ पे रह गया था। 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी जो है शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बैठाता है। शाह आलम द्वितीय अंग्रेज का पेंशनर बन के अर्थात कठपुतली बन के ही वहाँ पे अधिकार करता है वो, और शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका बाद पुत्र अकबर द्वितीय मुगल बादशाह बनता है जो कि 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक वो शासन करता है। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। राइट डाउन कीजिएगा, अंग्रेज के संरक्षण में उसके संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 के लिए अंतिम मुगल साम्राज्य के रूप में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बहादुर शाह द्वितीय जिसको कि जफर उपनाम से भी जाना जाता है और वो शायरी लिखा करता था मैंने इस नाम से इस रूप से उसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण रंगून निर्वासित कर दिया गया जहां 1862 ईस्वी में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय मृत्यु के पश्चात मुगल भारत से जो है वो सदा के लिए ख़त्म हो जाता है। दोस्तों 1857 ईस्वी तक का हमने आज केवल और केवल जो है राजनीतिक इतिहास का अध्ययन किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम अंग्रेज का भारत में किस प्रकार से आगमन होता है पूर्ण रूप से हम उसका अध्ययन करेंगे। इस क्रम में आप लोग एक नोट अगर करना चाहें तो लिख सकते हैं, राजनीतिक इतिहास में क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, खास करके अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग और फाइनली यूपीएससी में भी इस प्रकार का क्वेश्चन मैच करने के रूप में दे देता है। नोट कर लीजिए, बहादुर शाह प्रथम सबसे पहले 1707 ईस्वी में शासन करता है, इसका शासनकाल रहता है 1707 से 1712 ईस्वी तक। उसके बाद जहांगीर शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक। उसके बाद फर्रुख सियार 1713 से 1719 ईस्वी तक। उसके बाद रफी उद दौला ये 1719 ईस्वी में ही शासन करता है कुछ कुछ महीनों के लिए। फिर आता है मोहम्मद शाह, बहुत लंबा शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक, अर्थात कुल 30 वर्षों का शासनकाल।
उसके बाद अहमद साहब बहादुर अर्थात 1748 से 1754 ईस्वी तक, उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1754 से 1758 तक, जहांदर शाह तृतीय 1758 से 59 एक वर्ष के लिए, उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 37 और फाइनल रूप से बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक। दोस्तों जैसा भी हो प्रतिक्रिया कीजिएगा।